हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में ये ऑटोकैड के मुतालिक है। इसमें हम पेज लेआउट और व्यूपोर्ट स्केल के बारे में बात करेंगे कि जब हम कोई ड्राइंग पे काम करते हैं, ड्राइंग को पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद हमने उस ड्राइंग को प्रिंट करना होता है। उस प्रिंटिंग में जैसे ये देखें, ये एक सिंपल सा व्यूपोर्ट है जिसमें सिर्फ लेआउट दिखाया गया है। लेकिन कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास ड्राइंग्स आते हैं जिसमें प्लान दिखाया होता है और फिर कुछ और व्यूपोर्ट्स बना के तो वहाँ पे उसके डिटेल्स दिखाए होते हैं और उनका हर एक का स्केल सेपरेट लिखा होता है। जैसे इस व्यूपोर्ट का स्केल है 1:100 और यहाँ पे इसका पेज साइज ओरिजिनल साइज मेंशन है A1। तो अगर आप इस ड्राइंग को A1 पे प्रिंट करेंगे तो आपकी ये जो 7.2 डायमेंशन है, 7.2 मीटर, ये पेपर पे आपको 7.2 सेंटीमीटर मिलेगी, यानी 72 mm में मिलेगी। अगर आप किसी भी और पेपर पे इस ड्राइंग को प्रिंट करेंगे, जैसे A1 पे नहीं करते, आप A2 पे करते हैं, A3 पे करते हैं या A4 पे, तो फिर ये आपको उस स्केल में नहीं मिलेगी क्योंकि इसका स्केल जो सेट है वो A1 पेपर पे सेट है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह बनाया जाता है। ये एक ड्राइंग है मेरे पास जिसमें मुझे इसका कुछ हिस्सा प्लान का, फिर ये कुछ डिटेल्स हैं, ये बीम के डिटेल्स हैं और एक यहाँ पे ये चैनल बना हुआ है, इसके डिटेल। ये तीन चीज़ें हम एक व्यूपोर्ट में शो करेंगे, इन तीनों का स्केल हम डिफरेंट रखेंगे। तो व्यूपोर्ट नया बनाने के लिए ये अपने मॉडल के बाद, ये देखें इसमें ऑलरेडी एक व्यूपोर्ट बना हुआ है, उसके बाद ये प्लस का साइन है। अगर आपके पास ये ना भी बना हो तो नो प्रॉब्लम, ये प्लस का साइन आपको नजर आएगा, इस पर जाके क्लिक करें, आपका व्यूपोर्ट बन चुका है। व्यूपोर्ट पे क्लिक करें। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके, ये रीनेम का ऑप्शन है, यहाँ से इसको रीनेम कर दें। मैं इसको रीनेम करके न्यू वीपी का नाम दे रहा हूँ। आप जो भी नेम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। रीनेम नेम लिख के ड्राइंग एरिया में आके क्लिक कर दें, आपका व्यूपोर्ट रीनेम हो चुका है। ये ऑलरेडी एक बाई डिफ़ॉल्ट व्यूपोर्ट बना हुआ है, इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। अब आपके पास एक खाली पेपर आ चुका है जहाँ पे हमने अपनी मर्जी का पेपर सेलेक्ट करना है। उसके लिए अपने व्यूपोर्ट पे आएं, राइट क्लिक करें, ये ऑप्शन है पेज सेटअप मैनेजर, इसको क्लिक करें, सेटअप मैनेजर आपके सामने आ जाएगा। ये व्यूपोर्ट जो हमने बनाया है न्यू वीपी, आपका जो भी हो व्यूपोर्ट आपने दिया हो उसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई। उससे पहले यहाँ पे देखें प्लॉट साइज है 210x297, तो हमने ये चेंज करना है, हम इसको A1 पे लेके जाएंगे। तो मॉडिफाई, यहाँ पे प्लॉटर प्रिंटर जो भी आप रखना चाहें, अभी ये ऑटोकैड PDF है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। नॉर्मली जो ऑटोकैड में यूज़ होता है PDF के लिए वो यही यूज़ होता है कि DWG to PDF, इसको सेलेक्ट कर लें। फिर आ जाता है पेपर साइज, अब हमने यहाँ से पेपर सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन एरो है, क्लिक करें, पेपर सारे साइजेस आपके सामने आ जाएंगे। जो भी साइज आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, मैं A1 ले रहा हूँ, A1 पे क्लिक करें। देखें जैसे ही हमने A1 पे क्लिक किया, ये पेज का जो प्रीव्यू था चेंज हो चुका है और यहाँ पे भी अब हमारा पेज डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद दूसरी चीज, व्हाट टू प्लॉट, ये आपने लेआउट रखना है ताकि ये आपका स्केल में प्रिंट होगा। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे आपके पास स्केल है, ये 1:1 पे होना चाहिए आपका। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो फिर आपका स्केल भी चेंज हो जाएगा। इसको 1:1 पे करें। CTB अगर आपने कोई अपनी बनाई हुई है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं ये मोनोक्रोम ले रहा हूँ। इसको ओके कर दें जब आप CTB को सेलेक्ट कर देंगे। ओके, अब देखें यहाँ पे पेज का साइज चेंज हो चुका है, अब जो प्लॉट साइज है 841x594 है। व्यूपोर्ट ऑलरेडी सेट करंट पे है, अगर आपके एक से ज़्यादा हों तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो सेट करंट हो जाएगा, ये ऑलरेडी एक ही है। इसको क्लोज कर दें, पेपर आपका सेट हो चुका है। अब अगर आप इस पे अपना टाइटल ब्लॉक बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले, REC शॉर्टकट की है, तो मैं एक पेपर अपना ड्रा कर रहा हूँ, ये जो डॉटेड लाइन है इसके ऊपर। अब अगर आपने टाइटल ब्लॉक बनाना है तो आप यहाँ पे अपना टाइटल ब्लॉक बना सकते हैं, जैसे ये देखें यहाँ पे ये टाइटल ब्लॉक बना हुआ है। टाइटल ब्लॉक एक लेंथी प्रोसेस है, एक सेपरेट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि ये किस तरह बनाया जाता है, अभी सिर्फ व्यूपोर्ट और उसके स्केल के बारे में बात कर रहे हैं।
पेपर हमने सेट कर लिया, अब हमने इसमें व्यूपोर्ट बनाने हैं जहां पे हम अपने ड्राइंग शो कर सकें। तो व्यूपोर्ट के लिए MV शॉर्टकट की है, MV लिख के इंटर करें। जितने भी एरिया में आपने व्यूपोर्ट बनाना है, देखें मैं ये तकरीबन ये व्यूपोर्ट बन गया है। अभी ये स्केल में नहीं है क्योंकि हमने इसको आइडिया से ड्रा किया है। इसके अंदर जाके डबल क्लिक करेंगे और वो पोर्शन जो हम प्रिंट करना चाहते हैं उसको अपने सामने एडजस्ट कर लेंगे। अब देखें ये पोर्शन मैंने प्रिंट करना है, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है। अभी हमने अप्रॉक्सीमेट किया है, ये स्केल में नहीं है, स्केल हमने नहीं दिया व्यू पोर्ट को। जब आप अपने पोर्शन को सामने एडजस्ट कर लेंगे, बाय रॉकेट डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने के बाद व्यू पोर्ट को आपने सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक नहीं, सिंगल क्लिक करके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करें, ये नीचे आपका स्केल शो रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें 1:100 पे चाहिए। ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें, जो भी आपको स्केल चाहिए, मैं 1:100 ले रहा हूं, आप कुछ भी रख सकते हैं 1:100। देखें जैसे ही मैंने 1:100 पे क्लिक किया, ड्राइंग जूम हो गई है। अब मुझे ग्रिड नजर नहीं आ रहे, मुझे ग्रिड भी चाहिए तो मैं इसको और एडजस्ट कर देता हूं। देखिए मैंने ड्राइंग को सिर्फ मूव किया है, जूम नहीं किया, इसलिए देखें जब मैं वापस व्यूपोर्ट को स्केल का क्लिक करता हूं तो मेरा स्केल जो है वो 1:100 पे है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जाके डबल क्लिक करके देखिए, अब मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूं। अब अगर मैं अपने व्यूपोर्ट से बाहर जाता हूं, व्यूपोर्ट को सिलेक्ट करता हूं, तो स्केल चेंज हो चुका है। तो इसको फिर हम लोग दोबारा वापस 1:100 पे लेके जाएंगे। देखें जैसे ही 1:100 किया, ड्राइंग फिर जूम होकर सामने आ गई है। तो अब मैं इसको स्लाइड करके जो पोर्शन मुझे चाहिए ग्रिड लाइन के साथ, वो मेरे सामने ले आया हूँ। लाने के बाद इसको चेक करके सेलेक्ट करके चेक कर लें, स्केल 1:100 है, कुछ चेंज ही नहीं हुई। तो एक व्यू पोर्ट हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे हमने कुछ डिटेल शो करने हैं जिसका हमने स्केल बड़ा शो करना है। तो मैं एक नया व्यू पोर्ट बना रहा हूँ, MV। जितना भी आपने पोर्शन शो करना हो उसके हिसाब से व्यू पोर्ट बना लें। देखें हमने व्यू पोर्ट बनाया, ये सारी ड्राइंग सामने आ गई है। इसके अंदर जाके डबल क्लिक करें, ठीक है, हम ये डिटेल ले लेते हैं। फर्ज करें ये डिटेल हमने शो करनी है, इसको अप्रॉक्सीमेटली जूम कर लें, इसमें बाहर आए, डबल क्लिक कर दें, व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करें। अब मैं स्केल चेंज कर रहा हूं, मैं 1:50 पे ट्राई करता हूं क्योंकि मुझे ये डिटेल बड़ा करके शो करना है। 1:50 पे भी ये बहुत कम है, हम इसको और बढ़ा सकते हैं। मैं इसको 1:20 पे कर रहा हूं। देखें जैसे ही 1:20 किया, ये जूम हो रहा है। मैं 1:10 पे करता हूं, ये देखिए फाउंडेशन जूम होके बिल्कुल मेरे सामने आ चुका है। अब जो पोर्शन मैंने शो करना है उसको मैं जूम करके अपने सामने व्यूपोर्ट में एडजस्ट कर दूंगा। देखें दोबारा अगर इस पे क्लिक करता हूं, ये 1:10 के स्केल पे है। अब हम दो व्यूपोर्ट बना चुके हैं, एक ये बड़ा वाला जिसमें हमारा प्लान शो रहा है, इसका स्केल है 1:100। दूसरा हमने बनाया है 1:10 पे। हम और एक बनाते हैं, MV शॉर्टकट की है, जितना भी पोर्शन है आप उसी के हिसाब से जूम व्यूपोर्ट बना ले। देखें जैसे ही हमने बनाया, ये ड्राइंग सारे इसके अंदर आ चुके हैं। डबल क्लिक करें अंदर जाके। अब मुझे ये फाउंडेशन शो करना है कि इसमें ये कुछ डिटेल हैं, ये स्लोप्स हैं, कुछ मैस कंक्रीट्स हैं, तो इसको हम शो करना चाहते हैं। आप इसको जूम करके सामने कर लें, बाहर आके डबल क्लिक करें, व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करें, यहाँ पे आके मैं इसको 1:50 देता हूँ स्केल। देखें 1:50 पे किया है, ये बहुत जूम हो गया है। इसके लिए हम नया स्केल बनाते हैं क्योंकि 1:50 के बाद 1:100 है। अगर मैं 1:100 पे करता हूँ तो ठीक है, ये 1:100 पे भी नजर आ जाएगा, लेकिन हम न्यू स्केल ट्राई करते हैं। न्यू स्केल बनाने के लिए अब इसको सेलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें, ये नीचे है कस्टम, बॉटम से थर्ड ऑप्शन है, कस्टम पे क्लिक करें। ये स्केल्स आपके सामने आ गए हैं, यहाँ पे 1:40, 1:50, 1:70 है, हमको चाहिए 1:75, वो यहाँ पे नहीं है, हम नया बनाएंगे। ये ऐड का बटन है सबसे पहला, इस पर क्लिक करें, नेम अपीयरिंग इन द स्केल आपके सामने आ चुका है। जो भी नेम आप देना चाहें, मैं इसको दे रहा हूँ 1, वही जो स्केल है वही इसका नाम दे रहा हूँ, 1:75, ड्राइंग यूनिट 75, ओके। अब ये देखें हमारा यहाँ पे स्केल आ चुका है 1:75, और इसको ओके कर दें।
अब इस व्यूपोर्ट को सेलेक्ट करते हैं, यहां से चेंज करते हैं 1 in 75। ये देखें अब हमारा फाउंडेशन हमारे इस व्यूपोर्ट में एडजस्ट हो चुका है। तो अब एक ही ड्राइंग में हमारे पास 3 व्यूपोर्ट आ गए हैं। फर्स्ट वाला स्केल 1 in 100 है, सेकंड 1 in 10 है, थर्ड वन 1 in 75 है। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पेपर को कैसे सेट करते हैं, व्यूपोर्ट को स्केल कैसे देते हैं और नया स्केल कैसे क्रिएट करते हैं। फिर भी अगर कोई चीज रह गई हो या कोई भी आपको डाउट हो, आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर दें, मैं आपका डाउट क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सी यू, गुड बाय।